अमेरिका में हर महीने एक शख्स के रहने का खर्च औसतन करीब 1,60,000 रुपये है। इस हिसाब से अमेरिका दुनिया के 195 देशों में 10वां सबसे महंगा देश है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप दुनिया के किसी अन्य देश में एक लग्जरी जीवन जी सकते हैं बिना अपने बजट को बहुत ज्यादा असर पहुंचाए? आज हम आपको दुनिया के उन 7 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां कम पैसे में आप लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, यहां तक कि गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं। साथ में यहां बसे हैं खूबसूरत नजारे, सस्ती जिंदगी और दिल खोलकर जीने की स्वतंत्रता। नंबर 7, मलेशिया। अपने सफेद रेतीले समुद्र तटों, प्राचीन वर्षावनों और सुंदर द्वीपों के लिए मशहूर मलेशिया कम पैसे में लग्जरी लाइफ के लिए जाना जाता है। इसकी आबादी लगभग 33 मिलियन है। इसका सबसे बड़ा शहर कुआलालंपुर है, जो इसकी राजधानी भी है। यहां रहने की मासिक लागत के लिए 652 अमेरिकी डॉलर है। भारतीय रुपये में देखें तो यह 52,000 के करीब बैठता है। यहां आप आसानी से फ्लैट या घर ले सकते हैं। मलेशिया की सांस्कृतिक विविधता, जिसमें मलय, चीनी और भारतीय संस्कृतियां शामिल हैं, यहां के सामाजिक जीवन को रंगीन और विविध बनाती हैं। मलेशिया में अपराध दर अपेक्षाकृत कम है, जिससे यहां का वातावरण सुरक्षित और संरक्षित है। मलेशिया में कई विदेशी समुदाय रहते हैं, जिससे यहां विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से मिलना और अनुभव साझा करना आसान होता है। मलेशिया में रहने वाले लोगों के लिए कई सरकारी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं और सामुदायिक केंद्र। नंबर 6, सर्बिया। यदि आप इतिहास जानने के शौकीन हैं, क्लासिक और वास्तुकला व अन्य ऐतिहासिक कलाकृतियों से प्यार करते हैं, तो सर्बिया आपके लिए एक शानदार जगह है। विशेष रूप से मध्ययुगीन काल के 200 से अधिक मठ आपको लुभाएंगे और अतीत में लेकर जाएंगे। यहां सिर्फ $711 यानी करीब 57,000 रुपये में आराम से एक महीना रहा जा सकता है। सर्बिया में रहने की लागत अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में काफी कम है, जिससे यहां रहना किफायती होता है। सर्बियाई लोग अपने गर्म जोशी और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, जिससे नए लोगों के लिए यहां बसना आसान होता है। सर्बियाई भोजन स्वादिष्ट और विविधता से भरपूर होता है। सर्बिया में अपराध दर अपेक्षाकृत कम है, जिससे यहां का वातावरण सुरक्षित है। यहां के लोग सामाजिक और उत्सव प्रिय हैं, जिससे आपको कई सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता है। सर्बिया यूरोप के मध्य में स्थित है, जिससे यहां से अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा करना आसान और सस्ता है। नंबर 5, मेक्सिको। दूसरा सबसे बड़ा लैटिन अमेरिकी देश है और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला स्पेनिश भाषी देश है। इसकी लगभग 70% आबादी देश के शहरी क्षेत्रों में रहती है। यह अमेरिका की रिफाइंड एंड सेंट कल्चर का भी घर है। ऑलमेक, माया, टोलटेक और एजटेक कल्चर यहीं की मानी जाती है। यहां रहने की लागत 678 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 55,000 रुपये महीना है। यहां फूड और कारें काफी सस्ती मिल जाती हैं। नंबर 4, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका एक शानदार मुल्क है। यहां तमाम देशों से पर्यटक आते हैं और तमाम लोग तो यहां आकर पूरा जीवन बिता देते हैं। यहां की प्राथमिक भाषा अंग्रेजी है। जातीय विविधता के लिए एक सांस्कृतिक आकर्षण का केंद्र है। यहां एक महीने रहने का खर्च करीब $937 प्रति माह है, यानी भारतीय रुपये के हिसाब से देखें तो यह 76,000 रुपये बैठता है। यहां आवागमन सस्ता है और घर भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका को उसके आकर्षक प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है। यहां के सफेद चोटियां और शांतिपूर्ण समुद्र तट पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की जातीय और सांस्कृतिक विविधता उसे एक आधुनिक समाज में विशेष बनाती है। यहां के लोगों की भिन्नता और अनुभव एक रोचक मिश्रण प्रदान करती है। नंबर 3, चीन। आपको यह नाम जानकर हैरानी होगी, पर चीन भी सबसे सस्ते देशों में शुमार है। यहां महज $752 में एक महीना आराम से रहा जा सकता है। भारतीय रुपये में देखें तो करीब 61,000 रुपये में आप शानदार लाइफ यहां जी सकते हैं। अगर आपके पास इससे कुछ ज्यादा पैसा है तो फिर कहने ही क्या। चीन
चीन में अन्य एशियाई देशों की तुलना में औसत वेतन लोगों को अधिक मिलता है। चीन की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही है, जिससे यहां रोजगार और व्यवसाय के अवसर बहुतायत में हैं। चीन में बड़े शहरों में भी सुरक्षा का उच्च स्तर है, जिससे यहां रहना सुरक्षित महसूस होता है। चीनी भोजन विविधता और स्वाद से भरपूर होता है, जिसमें हर क्षेत्र की अपनी खासियतें हैं, जैसे कि सिचुआन, शंघाई और ग्वांगडोंग के व्यंजन। चीन तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी है, जिससे यहां जीवन सरल और सुविधाजनक बनता है, जैसे कि उन्नत सार्वजनिक परिवहन और स्मार्ट सिटी सेवाएं। चीन में कई विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय और शोध संस्थान हैं, जो उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करते हैं। चीन में चिकित्सा सेवाएं अत्याधुनिक और किफायती हैं, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान होती है। चीन में व्यापार और उद्योग के लिए कई अवसर हैं, विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और सेवा क्षेत्रों में। नंबर दो, पेरू रहने के लिए एक बहुत ही सस्ती जगह है। यहां औसतन 630 अमेरिकी डॉलर में एक महीने गुजारा जा सकता है। अपने सांस्कृतिक इतिहास और सुंदर प्रकृति के साथ मिश्रित पेरू में सस्ता और लग्जरी लाइफ जीने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। बाहर से आकर तमाम लोग भी यहां रह रहे हैं। आपका अगला घर भी यह हो सकता है। विदेशियों और पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ पेरू में रियल एस्टेट बाजार की स्थिति बढ़ रही है। पेरू में विविध प्राकृतिक स्थल हैं, जैसे कि एंडीज पर्वत, अमेजन वर्षावन और प्रशांत महासागर का तट, जो पर्यटन और प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श हैं। पेरू में जीवन यापन की लागत अन्य देशों की तुलना में कम है, जिससे यहां रहना किफायती होता है। पेरूवियन लोग अपने गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, जिससे नए लोगों के लिए यहां बसना आसान होता है। पेरू में कई साहसिक गतिविधियां की जा सकती हैं, जैसे कि ट्रैकिंग, पर्वतारोहण और अमेजन में जंगल सफारी। पेरू में स्वास्थ्य सेवाएं किफायती और गुणवत्ता वाली हैं, जिससे यहां चिकित्सा सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं। पेरू के छोटे शहर और गांव शांत और सुंदर होते हैं, जिससे एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन शैली मिलती है। नंबर एक, कोस्टारिका मलेशिया की तरह कोस्टारिका के समुद्र तट भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। घने जंगलों और फ्रेंडली स्थानीय लोगों की वजह से लोग यहां जाना पसंद करते हैं। कोस्टारिका में अपने आसपास के अधिकांश देशों की तुलना में रहने का खर्च कुछ ज्यादा है। इसके बावजूद यहां 852 अमेरिकी डॉलर में एक महीने आसानी से बिताया जा सकता है। भारतीय रुपये में देखें तो इसकी कीमत कुछ 70,000 के आसपास बैठती है। कोस्टारिका का समुद्र तट उसके प्राकृतिक सौंदर्य की एक प्रतिक्रिया है। घने जंगल, शांतिपूर्ण बीच और बहुमूल्य समुद्री जीवन इसे पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाते हैं। कोस्टारिका के स्थानीय लोग अत्यंत सहानुभूति और आत्मीयता से भरे हुए हैं, जो अपने पर्यावरण की रक्षा में निष्ठावान हैं और पर्यटकों का स्वागत करते हैं। कोस्टारिका में आधुनिक सुविधाएं, शैक्षिक संस्थान और स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिनसे लोगों को आसानी से रहने की सुविधा मिलती है।